नमस्कार दोस्तों, चेतन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो मेरे पास है शाओमी का MI A2। तो इसमें अभी एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ चुका है, लेकिन इससे पहले उसमें एंड्रॉयड 9 था। तो इसको मैंने टेम्पररी रूट किया था ताकि Camera2Api इनेबल कर सके। तो मैंने इस पर Camera2Api इनेबल किया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि एंड्रॉयड 10 आने के बाद इसमें Camera2Api इनेबल है, लेकिन जो स्टॉक कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है। सिर्फ Gcam जो है वो वर्क कर रहा है, और जो स्टॉक कैम है वो क्रैश हो रहा है। तो अभी हमें एक ही रास्ता है कि हम इसे रीसेट कर सकें, फैक्ट्री रीसेट कर सके। लेकिन फैक्ट्री रीसेट करने के बाद Camera2Api उसका निकल जाएगा और ये स्टॉक कैमरा वर्क करने लगेगा, लेकिन Gcam वर्क नहीं हो सकता है। तो हमें फिर से टेम्पररी रूट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हुआ क्या है कि हमें फिर से Camera2Api इनेबल करने के लिए दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एक बूट इमेज और एक पैच बूट इमेज। लेकिन वो अपने बिल्ड नंबर के ऊपर है। अभी XDA के जो वेबसाइट है तो उसमें जो बिल्ड नंबर है 10.9 सिर्फ उसका ही बूट इमेज फाइल है। लेकिन अभी लेटेस्ट इसमें चल रहा है, मेरा बिल्ड नंबर है 11.05। तो इसका जो बूट इमेज फाइल है वो अभी तक XDA पे किसी ने अपलोड नहीं किया है। जब तक XDA साइट पे कोई अपलोड नहीं कर सकता था, वहाँ हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो मैंने अभी उसको फैक्टर रीसेट किया इस फ़ोन को, तो अब इसका Camera2Api निकल गया है। अभी स्टॉक कैमरा अच्छी तरह से वर्क करता है, लेकिन मैं इसमें अभी Gcam नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो यही बताने के लिए मैं आपको ये मैंने वीडियो बनाया है। तो आप भी वही करिए, फैक्टर रीसेट करिए और स्टॉक कैमरा यूज़ करें। जब फाइल आ जाएगी बूट इमेज और पैच बूट इमेज की, तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा और इसमें एंड्रॉयड 10 के बाद फिर से Camera2Api इनेबल करूंगा। धन्यवाद।